हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की फेमस भजिया प्याज की पकौड़ी। और इसके लिए हमने ये सामान लिया है, 2 बड़े प्याज, 100 ग्राम बेसन लिया है हमने, 2-3 हरी मिर्ची, हरा धनिया, नींबू, नमक 1 चम्मच, हल्दी ये छोटे छोटे चम्मच हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला। अब इन सब चीजों को हम डालकर बाउल में गूंद लेते हैं। ये सब चीजें एक साथ मिला देंगे। ये बहुत ही टेस्टी भजिया बनती है, मुंबई में बहुत फेमस है ये। मुंबई में भजिया बोलते हैं इनको, प्याज की पकौड़ियां हैं। हरा धनिया भी मिला देंगे हम इसमें। और ये नींबू डाल देंगे ऊपर से। बेसन पानी डाल के इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसमें पानी बहुत कम डलता है क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है। बस इतना ही पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिला लिया है, इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं क्योंकि इसका प्याज का रस निकलेगा, पानी छोड़ेगी, फिर भजियों को बनाएंगे। 5 मिनट हो गया है हमारे प्याज को रखकर, ये बहुत अच्छे से इसमें अच्छे से घुल मिल गई है। और हमने तेल गर्म कर लिया था अपना, अब हम भजिया फ्राई करते हैं। इसको ऐसे हल्के हाथ से ऐसे डालते जाइए। इसका तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि प्याज जल्दी से एकदम जल जाती है। ये हल्के मीडियम गैस पे ही फ्राई करनी है। इसको थोड़ी देर तक नहीं हिलाएंगे, फिर इसको पलट देंगे। अब इनको पलट देते हैं। ये भजिया हमारी फ्राई होने लगी, सबको पलट देते हैं। ये भजिया बहुत ही करारी क्रिस्पी बनती है और बहुत ही जायके में बहुत अच्छी होती है, बहुत जायकेदार लगती है ये, और मुंबई में बहुत शौक से खाई जाती है। यहाँ कम बेसन वाली भजिया बनती है मुंबई में, ये वाली प्याज की, और अपने दिल्ली में यूपी साइड में थोड़ा ज्यादा बेसन घोल कर उसके बाद में प्याज डाली जाती है, और यहाँ प्याज पे थोड़ा बेसन डालकर फिर इसको बनाया जाता है। लेकिन जब बनकर चुकती है बहुत ही करारी और क्रिस्पी रहती है, बहुत ही जायकी की, बहुत मजेदार लगती है। आप इसको जरूर बनाइए, जरूर खाइए। भजिया हमारी ये पकौड़ियां हो गई है तैयार, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये अच्छे से सुनहरे कलर की हो गई। भजिया अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, ये देखिए बहुत अच्छा कलर इनके ऊपर आ गया है और ये बन गई है। अब मैं अपना गैस बंद कर देती हूँ और इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये रेडी हो गई है प्याज की पकौड़ियां बनकर, और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, मजेदार बनी है। प्लीज इसको आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर ये आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए अपने, जरूर मुझे इंतजार रहेगा। और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।